एक्सरसाइज नंबर 10 देखते हैं आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस क्लास 10th एक्सीलेंट बुक से है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। 10 एक्सरसाइज है, तो आप लोगों को कहा गया था हल करके लाने के लिए, जो लोग किए हो ठीक है, नहीं कर पाए हो तो लिख लीजिए तत्काल। चलिए देखते हैं पहली एक्सरसाइज, शट द डोर्स, दरवाज़ा बंद करो। तो इसको लेट से बनाया जाएगा, बताए थे आपको लेट द डोर्स बी शट, तो आपको जो है लेट से, लेट द डोर्स बी शट, लेट से आप आदेश वाला वाक्य स्पेशली बनाते हैं, और एडवाइज वाला भी लेट से बना सकते हैं, और शुड से भी बना सकते हैं, ठीक है, शुड से भी आप बना सकते हैं सलाह वाला, बाकी आपको प्रार्थना वाला यू आर रिक्वेस्टेड टू करके आपको प्लीज काइंडली हटा के जीवन प्रत्यय लिख देना है, ये आपके कॉमन रूल्स हैं। देखिए शट द डोर्स, लेट द डोर्स बी शट, दूसरा वाक्य कॉल द सर्वेंट, तो लेट पहले लगा देंगे द सर्वेंट, उसके बाद बी कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। तीसरा स्पीक द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, एस पी ओ के ई एन, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। चौथा हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प। पांचवा डू नॉट टेल ए लाई, तो हो जाएगा लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड, डू नॉट हट जाएगा, नॉट ले लिया जाएगा उसमें से, लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड। छठवा डू नॉट मेक ए नॉइज, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड, लेट ए नॉइज या लेट द नॉइज भी कर सकते हो, क्योंकि मेक के साथ ए लगाना जरूरी है, शुरुआत में आप द भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेट ए नॉइज या लेट द नॉइज नॉट बी मेड, नॉट बी मेड। प्लीज सिट डाउन, यू आर, इसमें प्लीज हटा के आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सिट डाउन जोड़ दीजिए। आठवां नेवर टीज द पुअर, तो इसमें लेट पहले लगा दीजिए, उसके बाद द पुअर कर दीजिए, उसके बाद जहाँ नॉट लगाते थे वहाँ नेवर आप लगा दीजिए, लेट द पुअर नेवर, उसके बाद बी कर दीजिए, टीज का थर्ड फॉर्म टीज, इसमें केवल डी जोड़ दिए हो जाएगा, टीज्ड, लेट द पुअर नेवर बी टीज, टीज माने होता है चिढ़ाना, तंग करना, छेड़ना, ये सब होता है, क्लियर, गरीबों को कभी तंग नहीं करना चाहिए। अगला, तो इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, द पुअर शुड नेवर बी टीज्ड, क्लियर, शुड नेवर बी टीज्ड भी कर सकते हो, बिल्कुल एडवाइस से भी बना सकते हो, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टीज द पुअर, लेकिन आप एडवाइस से ना बनाया करो, लेट से ही बनाया करो या शुड बी से बना करो, बेटर होगा, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब आप यू आर एडवाइज टू या यू आर ऑर्डर टू से आप आदेश को बना सकते हो, तो यू आर एडवाइज टू से बनाओगे तो सेम वाक्य जो कहते हो जोड़ दोगे, यू आर ऑर्डर टू से आदेश वाला बनाओगे तो सेम वाक्य जो कहते हो जोड़ दोगे। नवा वाक्य है टेल हिम टू टाइप दीज लेटर्स, तो सबसे पहले आप लेट लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम कर दीजिए, बी कर दीजिए, टेल का टोल्ड कर दीजिए, लेट हिम बी टोल्ड, उसके बाद टू टाइप दीज लेटर्स जोड़ दीजिए, लेट हिम बी टोल्ड टू टाइप दीज लेटर्स। दसवां वाक्य है प्लीज लिसन टू मी, तो इसमें आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू करके सेम टू सेम वैसे लिख देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, समझ में आ गया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको हल कराए जाएंगे, जिसके आधार पर एक्सरसाइज अभी पैसे वैसे ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे बाय के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ाना है वो बताया जाएगा, और कैन कुड में माइट मॉडल एग्जाम्पल के पैसे वैसे बताया जाएगा, इत्यादि सारे इंपॉर्टेंट रूल बताए जाएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार एक्सरसाइज के साथ। बोर्ड परीक्षा की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलेगी। मिलते हैं।